Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your Nihal Vlogs back at again with a brand new vlog video. मेरे YouTube channel का नाम change कर दिया है फैजान जियोन से निहाल व्लॉग्स, उसका रीज़न नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं हाजी मलंग और अभी मैं कुर्ला स्टेशन में हूँ। रात का 10 बज रहा है, अभी हम लोग रात में वहाँ पे पहुँचेंगे और मेरे भाई का बर्थडे, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम हाजी मलंग जा रहा हूँ एंड मेरे फ्रेंड के ग्रुप के साथ भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो सोचा कि आप लोग को भी ब्लॉग में बताओ कि कहाँ जा रहे, कहानी क्या शूट करेंगे, क्या नहीं करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। सो आगे चलते हैं, देखते हैं, तो चलते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम लोग कुर्ला स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ से ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़ के कल्याण जाएंगे, फिर वहाँ से हाजी मलंग के लिए निकलेंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा कैसा जाएंगे कैसा नहीं। सो अभी लोकल ट्रेन आएंगी, उसमें बैठेंगे और हम लोग का पूरा ग्रुप जाने वाला है हाजी मलंग और ग्रुप के साथ। मैं गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी गया नहीं था। और ये बर्थडे भाई, तो इन लोग को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। अजीत भाई, ये क्या है, ये अपना ये फैजान, अबे कैमरा मैन अरमान आपके साथ, रवि तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन, तो अभी उसमें बैठेंगे, फटाफट कल्याण जाएंगे, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो मैं जब तक आप लोग सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो, तो आगे चलते हैं देखते हैं। जस्ट हम लोग अभी कल्याण में पहुंच चुके हैं फाइनली। काफ़ी ज़्यादा गर्दी थी, कुर्ला से हम लोग ने पकड़ा था ट्रेन इधर आके, जो है हम लोग बहुत मतलब इंजॉय भी किए, मज़ा भी किया और गर्दी बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा परेशानी भी हुई। मगर गर्दी में ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने मज़ा आता है। लोकल ट्रेन में तो आप लोग को पता है कैसा गर्दी रहता है कैसा नहीं। सो काफ़ी मुश्किल के बाद हम लोग कल्याण में पहुँच चुके हैं। सो अभी यहाँ से गाड़ी के लिए निकलेंगे दरगाह पे। सो रात में वहाँ पे आके चढ़ाई करेंगे एंड हम लोग आधी रात तक पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे आके थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जैसे ही अपना सूरज मॉर्निंग होएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मॉर्निंग में वीडियोस वगैरह बनाएंगे और दरगाह एक्सप्लोर करेंगे। हमारे स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है डिहाइड्रेशन की वजह से, हम लोग चढ़ नहीं पाते। सो इसके वजह से हम लोग ने नाइट में आने का सोचे एंड फिर नाइट में आए। सो अभी हम लोग सीधा गढ़ जाएंगे, तो जाते जाते दिखाते आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो चलो फाइनली कल्याण में पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग मलंगगढ़ के लिए निकलेंगे और तो रिक्शा पकड़ेंगे या तो टैक्सी करेंगे एंड डायरेक्ट वहाँ पे आके ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं जाते जाते थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट आपके लिए डाल दूंगा। तो यहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं, चलते देखते हैं। तो चलो देखते। सो गाइस, अभी हम लोग कल्याण से गढ़ के लिए निकल रहे, पर सीट 60 रुपीज़ के हिसाब से रिक्शे में बैठ के निकलेंगे। सो यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे एंड सीधा गढ़ पे जाएंगे दरगाह पे, और वहाँ पे जाने के बाद जो एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा बहुत बता पाऊँगा क्योंकि नाइट का टाइम है, तो ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, शक्ल भी नहीं दिख रही है। सो डे में बताएंगे हम लोग क्या रहेगा क्या नहीं। नाइट का व्लॉग थोड़ा आप लोग को लाइट लाइट ही लगेगा क्योंकि सनलाइट नहीं है और मेरा फेस भी ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता अभी। सो सीधा गढ़ पे जाके बात करते।
गाइस अभी हम लोग कल्याण से हाजी मलंग के लिए निकल चुके हैं, रिक्शा पकड़े हैं, थोड़ा हम लोग रेस्ट करने के लिए बीच में रुके थे। सो कल्याण से हाजी मलंग तक का रास्ता कम से कम भी 20 से 18 किलोमीटर तक का लंबा है। सो हम लोग ने थोड़ा रिक्शा रुका के साइड में चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि रात का सफर है, लंबा सफर है। बाकी इन्जॉयफुल तो रहेगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और मेरे पूरे ग्रुप के साथ मैं फर्स्ट टाइम ऐसा आया हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते। सो अभी मैं आगे आप लोग को और बताते रहूँगा धीरे धीरे, बिकॉज हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। रिक्शे में हालत भी खराब हो गई, तो चलता है इंजॉय में इतना कुछ तो होता है। सो आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी पता नहीं, बाकी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो फाइनली गाइस हम लोग हाजी मलंग पहुंच चुके हैं। रिक्शे में जैसा निकले थे फटाफट आ गए हम लोग, और अभी यहां से सीधा हम लोग ऊपर जाएंगे। मैं रात का टाइम है तो ज़्यादा आप लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि रात में कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो का क्वालिटी भी बेकार रहेगा। सो सीधा सनलाइट होने के बाद सुबह सुबह का जो व्यू आप लोग को सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो अभी पैदल भी ऊपर जाना है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो सीधा नेक्स्ट डे पे मैं बताऊंगा, और थोड़ा बहुत अगर ऊपर का बता सकूंगा जाने के बाद तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी पता नहीं। आगे चलते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं दरगाह के। हम लोग 12:15 को चलना शुरू किए थे एंड अभी टाइम हो रहा है आप लोग देख सकते हो 2:35 हो गया भाई, 2:35 होने आ गया। हम लोग जब से कंटिन्यू चले जा रहे यहाँ पे कम से कम भी 3,500 सीढ़ी है, 3,500 पूरा सीढ़ी है। सो जब से हम लोग चलते आ रहे अभी भी कुछ सीढ़ी बाकी है, तो यहाँ से एंट्रेंस है तो मैं सोचा थोड़ा बता दूँ आप लोग को। और काफ़ी टाइम से मैं कुछ वीडियो में बोला नहीं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी और रात का टाइम में इधर थोड़ा लाइट थी, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। सो अभी आगे के आप लोग देखते रहो, अभी पहुँचने के बाद ही बताऊँगा, क्योंकि और मैं बीच में बोल नहीं पाऊँगा। अभी होटल के रिस्पे गए था, हाँ अभी सीधा होटल पर जाके ही बोलेंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हम लोग कंटिन्यू चले जा रहे। सो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग हाजी मलंग दरगाह पे पहुंच चुके हैं। 3,500 सीढ़ी पूरी क्रॉस की हम लोग ने, हम लोग का जो गोल था 3,500 सीढ़ी क्रॉस करना, हम लोग ने आ गए चढ़ के। काफ़ी टाइम लग गया, 3 घंटा पूरा हम लोग का चलेगा उसमें, और हालत भी ख़राब हो गई, मगर इंजॉय बहुत हुआ, मज़ा भी आया। पीछे देख सकते हो आप लोग दरगाह में, सो हालत ख़राब हो चुकी है। अभी तो जाके हम लोग पहले थोड़ा आराम करेंगे 2-3 घंटा, फजर होने का इंतज़ार करेंगे, फिर फजर के बाद ही क्या है क्या नहीं देखेंगे नेक्स्ट डे। सो आज बस इतना ही था एंड अभी देखेंगे अंदर जाके रूम कैसा मिला है कैसा नहीं, तो चलो चलते हैं देखते। सो गाइस हम लोग जो रूम बुक करने वाले हैं, सो आप लोग को बता देता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आप लोग को चादर लेना पड़ता है, फिर जिससे आप चादर खरीदते हो वो लोग आप लोग को रूम देते हैं, कुछ ऐसे रूम रहते हैं जिसके आप लोग देख सकते हो अंदर सब रूम है। सो अभी अपने फ्रेंड्स लोग बात कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, भाड़ा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा है क्या नहीं। सो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं रहता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक दो रूम लेंगे, रहेंगे, आराम करेंगे, सूरज निकलने का वेट करेंगे सनलाइट का, एंड फिर और घूमेंगे फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। सो गाइस बाहर से देख ले सकते हो आप लोग ये ऐसा रहता है, अंदर से आप लोग को बता। सो गाइस ऐसा रहता है रूम अंदर से नॉर्मल, इतना कुछ खास नहीं, बाकी 1-4 घंटे के लिए बहुत सही है, क्योंकि आप लोग घूमने आएंगे तो ऐसा यहाँ पे चीज़ मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है दरगाह एंड ऐसी चीज़ मिलना बहुत बड़ी बात है। सो हम लोग ये रूम में भी 2-3 रूम ले लेंगे, एक रूम में 2-3 लोग ऐसा रह के एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 2-3 घंटे की बात है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे क्या है देखेंगे। सीधा अभी कल ही मैं नेक्स्ट डे शुरू करूँगा वीडियो, क्योंकि अभी तो चल चल के थक चुका हूँ, काफ़ी टाइम से चलते आए हैं ब्लॉग बनाए, तो देखते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।
पीछे देख सकते हो आप लोग, सूरज निकल रहा है। सो हम लोग डे का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सनशाइन में जो वीडियो बनती है नाइट में नहीं बनती है। सो हम लोग दरगाह में थोड़ा रेस्ट किए 2-3 घंटा, क्योंकि 4 बजे कुछ हम लोग ने रेंट पे लिए थे रूम। सो थोड़ा आराम किया, अभी उसके बाद थोड़ा दरगाह से बाहर आए थे और ये जगह दिख गई गाइस। सो ये जगह मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा देखा हो, पहाड़ी इलाके पे इतनी ऊंचाई से पूरी सिटी को सामने से देखना गाइस, ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस है। बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे। सो अभी तो हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा और आगे जाएंगे। और ये पीछे जो देख रहे हो आप, मुझे पता नहीं है कौन सा पहाड़ है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है गाइस, दरगाह के थोड़ा ही जस्ट पीछे। और ये एक्सपीरियंस गाइस मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी नहीं किया है। ओके सो गाइस, आप लोग ये देख सकते हो सामने की तरफ, क्या ही गुड लुकिंग प्लेस है गाइस। बॉम, मेरे पूरी लाइफ में गाइस मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, फर्स्ट टाइम मैं ऐसी जगह पे आया हूँ। और ये मेरे लिए ट्रैकिंग व्लॉग के जैसा ही होगा, क्योंकि रात में था तो मैंने रात में नहीं बता पाया आपको, इससे पहले भी बोला था। सो अभी डे है तो डे में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करके बताऊंगा ये जगह, क्योंकि मैं भी खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग ने फोटोशूट यहाँ पे माउंटेन्स के पास कंप्लीट किया अपना, बहुत अच्छी प्लेस थी तो हम लोग ने काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे ब्रो? पाँचवीं जा रहे, मुझे पता नहीं है सब प्लेस के बारे में, फर्स्ट टाइम आया और मुझे कुछ इतना आइडिया भी नहीं है, बिकॉज मैं ये सब जगह पर ज़्यादा घूमता नहीं गाइज। सो अभी यहाँ से हम लोग सीधा पाँचवीं जाएंगे, वो भी बहुत अंदर जगह है थोड़ा, मतलब यहाँ से चलते जाना है, आड़ी टेढ़ी जगह से चलते जाना है और एकदम एडवेंचर प्लेस है गाइज। तुम लोग आओ इधर, इन्जॉय करो, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी जगह है। ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ मैं, या क्या नहीं होने वाला है कुछ भी पता नहीं, बाकी बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं। पूरा जितना भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे कर लिया, अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अपने रेंट के जो हाउस हम लोग ने रेंट पे लिया था, उधर जा रहे, फिर वहाँ से अपने कपड़े वगैरह बैग वगैरह लेके निकलेंगे घर के लिए। सो फिर घर पे आके व्लॉग को एंड करेंगे, अभी तो बस इतना ही था, आगे देखते और कुछ रहेगा तो और कुछ बताएंगे, नहीं तो फिर व्लॉग को वही ख़त्म करेंगे यहाँ पर, नहीं मतलब रेंट के हाउस पर जाकर। सो अभी हम लोग कितनी ऊँची सीढ़ी चढ़ रहे देख सकते हो आप लोग, और यहाँ से नीचे ये प्लेस का नज़ारा लुक देख सकते हो डूड, थक चुके, हालत ख़राब हो चुकी। सो अभी ऊपर चलेंगे फटाफट, व्हाट द फ्रंट ब्रो, देखेंगे। सो गाइस, आज का अपना टूर हो चुका है ख़त्म और अभी हम जा रहे सीधा बैक टू होम, और जिस सीढ़ी से चढ़ के आए थे हम लोग 35
3500 सीढ़ी चढ़कर आए थे, सॉरी ये सही है सॉरी सीधा सीधा बोले 3000 इंसानों से ही होती 3500 सीढ़ियां चढ़ के आए थे, तो वही उतर के वापिस जा रहे हैं। तो जाते जाते थोड़ा तुम लोग को बता दूंगा नजारा, क्योंकि आने के टाइम अंधेरा था तो खुद की शक्ल नहीं दिख रही थी, तो तुम लोग को बताएंगे क्या। बाकी ये जाने के टाइम का भी लुक बहुत अच्छा बॉम्ब है, और अभी अपनी पब्लिक सामने बैठी है, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के ब्लॉग को एड करेंगे, फिर ब्लॉग को नीचे जाके एंड करेंगे और खत्म करेंगे बस। ओके सो फाइनली हम लोग का व्लॉग आज यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अपनी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। हम लोग आ चुके हैं पूरा गढ़ घूमकर, और आप लोग को मैं बताता हूँ, ये जो दिख रही है छोटी, इसके नीचे थी दरगाह, फिर हम लोग यहाँ से ये कॉर्नर पर गए, फिर यहाँ से रिटर्न आए पूरा उतर के। सो अभी ख़त्म आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, उससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। भाई बताएंगे क्या हालत हो रही है, मेरी हालत देख के क्या पता चल रहा है आप लोग को। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। थक गए गाइस, 3500 सीढ़ी कुछ होती है चढ़ना एक ही दिन में। अरे पैर तो पना मांग रहे, साथ में चेला भी मांग रहे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपको आना है तो ताकत लेके आना, मतलब मत आओ, मतलब आओ यार, एंजॉय बहुत होता है, मगर एंजॉय बहुत होता है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। हां भाई ये तो मैं भूल गया था। सो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है फैजान जियोन से नेहाल व्लॉग्स। अभी उसका रीजन बहुत बड़ा है, कभी Q&A में भाई का प्रॉब्लम, कभी Q&A में बताऊंगा या कोई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, पुश द थंब्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, I'll see you in the new video. Bye. Till then, sexy. Hello. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the best.